दोस्तों सामने जो मोबाइल देख रहे हैं यह है सैमसंग का मोबाइल और इस मोबाइल के अंदर में जो है सिम लॉक मांगा जा रहा है, यानी कि नेट सिम नेटवर्क पिन लॉक, ठीक है, कंट्री लॉक। तो दोस्तों मैं बता दूंगा आपके पास सैमसंग का कोई भी मोबाइल रहे, कोई भी मॉडल रहे, ठीक है, चाहे वो आपके पास 5,000 से लेकर के 50,000 तक का मोबाइल रहे, उसमें अगर सिम नेटवर्क पिन मांगा जा रहा है या मतलब कंट्री लॉक है, ठीक है, तो आप उस मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी बॉक्स या डोंगल की जरूरत नहीं है, आप बिना किसी बॉक्स के बिना किसी डोंगल के आप मोबाइल को जो है अनलॉक कर सकते हैं, कंट्री लॉक को अनलॉक कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक टूल की जरूरत पड़ेगी और आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, और उस आईडी पासवर्ड से टूल में लॉगिन करके आप जो है सिम नेटवर्क पिन को अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सारी की सारी बातें बताने वाला हूं, किस तरह से आपको टूल डाउनलोड करना है, किस तरह से आपको जो है सर्वर क्रेडिट लेना है, ठीक है, और किस तरह से यूज करना है और किस तरह से मोबाइल को अनलॉक करना है, ये सारी की सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब यहां पर सामने देख सकते हैं डेस्कटॉप पे कि यहां पे एक टूल है सैम की के नाम से, और ये सैम की टूल जो है इसे आपको डाउनलोड करना होगा सैम की वेबसाइट से, और इस टूल में आपको आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना होगा, तभी आप इस टूल से जो है कंट्री लॉक अनलॉक कर सकते हैं किसी भी सैमसंग का। और आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा आपको, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, किस तरह से आपको आईडी पासवर्ड जो बाय करना है, ठीक है, और सर्वर क्रेडिट जो आप होता है तो कितने क्रेडिट लगेगा आपको अनलॉक करने के लिए एक मोबाइल को, ठीक है, तो और किस तरह से आप अनलॉक कर सकते हैं, वो सारी सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखें आप। तो दोस्तों मैं बता दूं सबसे पहले आपको तो अपने कंप्यूटर में टूल डाउनलोड करना होगा जो कि बिना किसी बॉक्स के काम करेगा, आपको किसी बॉक्स या डोंगल की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और यहां पे आपको टाइप करना है www.samkey.org। तो www.samkey.org आप टाइप करेंगे और सैमकी का जो है साइट जो है वो ओपन हो जाएगा, और उस साइट पे आपको मिलेगा सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर, एडीवी ड्राइवर, उसके बाद सैमकी टूल। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे सैम की के साइट पर हम हैं, और उसके बाद यहां पर आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, आप यहां पे देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन है सैम की, उसके बाद यहां पे सपोर्ट पे आप क्लिक करके मॉडल देख सकते हैं कि कौन कौन सा मॉडल जो है आपका सैमसंग मोबाइल जो है सपोर्ट है, कौन कौन से मोबाइल कितने कितने क्रेडिट में अनलॉक होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं जितनी सारी मॉडल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे ये 3 क्रेडिट दिखा रहा है कि 3 क्रेडिट कटेगा आपका, और 3 क्रेडिट में आपका मोबाइल, ये सारा जो मॉडल आपको दिखाई दे रहा है ये सारे मॉडल जो है 3 क्रेडिट में आपका जो है अनलॉक होगा, ठीक है। तो जो मॉडल जिस क्रेडिट में अनलॉक होगा, जितने क्रेडिट में अनलॉक होगा, वो सारा मॉडल यहाँ पे दिखा रहा है। आप यहाँ पे सैमकी की साइट पर इसकी डिटेल जो है देख सकते हैं कि कौन से मोबाइल जो है कितने क्रेडिट में अनलॉक होगा, ठीक है, वो सारे की सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अभी से हम यहाँ क्लोज कर देते हैं, उसके बाद बात करते हैं टूल की कि टूल कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है, और डाउनलोड पर जब आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर यानी कि एडीवी ड्राइवर, इसे आपको डाउनलोड करना है अपने कंप्यूटर में, और अपने कंप्यूटर में आपको इसे इंस्टॉल करना है, ठीक है, ताकि आपका मोबाइल एडीबी मोड में जो है बूट हो सके। उसके बाद यहाँ पे सैमकी का जो यहाँ पे कोई भी नया वर्जन आएगा टूल आपको यहाँ पर मिलेगा सैमकी की साइट पर, यहाँ से आप क्लिक करते ही डाउनलोड कर सकते हैं। इसे मैं डाउनलोड करूंगा नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से ही डाउनलोड कर चुका हूँ। तो चलिए आपको, तो दोस्तों आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे देख सकते हो ये सैमकी टूल है जिसे हमने डाउनलोड किया, और यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो यूजर नेम पासवर्ड आपको जो है खरीदना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। तो इसे कैसे बाय करना है, कैसे खरीदना है, चलिए मैं भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइप करना है www.x1924.com। दोस्तों ये मेरा वेबसाइट है जो है, आप हमारी वेबसाइट से यहाँ पे सैमकी का सर्वर क्रेडिट जो है यहाँ से आप जो है खरीद सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 क्रेडिट है, 20 क्रेडिट है, 40 क्रेडिट है, तो जो भी आपको चाहिए वो क्रेडिट आप यहाँ से खरीद सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप जो भी बाय करेंगे उसका जो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके ईमेल में भेज दिया जाएगा, और उस आईडी पासवर्ड से आप सैमकी टूल में लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए आप इस 10 क्रेडिट पे क्लिक करेंगे, इसका प्राइस आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है 1200 रुपए प्राइस है इसका, और यहाँ पे जो है आप अपना ईमेल डाल करके जो है आप हमारी वेबसाइट पे पहले रजिस्टर कर लेंगे, और रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करेंगे अपने अकाउंट में, उसके बाद आप इस सैमकी टूल को जो है यहाँ से हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका ईमेल पूछा जाएगा, आपका एड्रेस पूछा जाएगा, जो भी डिटेल मांगा जाएगा आपको डिटेल देकर के ये टूल जो है आपको यहाँ से बाय कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आपके ईमेल पर जो है हमारी वेबसाइट से आपके ईमेल पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके सैमकी टूल का दे दिया जाएगा, और उस लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप इसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको मोबाइल को जो है सबसे पहले क्या करना है कि मोबाइल के डायल बटन पर क्लिक करके ***08 डायल करके एडीबी पोर्ट को सिलेक्ट करके मोबाइल को लगा देना है। और सबसे बड़ी खासियत यह है इस टूल की कि आपको मोबाइल को जो है जिस तरह Z3X बॉक्स में आप सर्वर क्रेडिट से अनलॉक करते हैं, तो आपको मोबाइल को रूट करना पड़ता है, सैम की में आपको रूट करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं बिना रूट किए, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि आपको मोबाइल के जो है डायल बटन पे आपको टाइप करना है ***08 ठीक है,
और एडीबी पोर्ट आपको वहां पे सिलेक्ट करके मोबाइल को रिबूट कर देना है, सैमसंग मोबाइल को डायरेक्ट लगा देना है, सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद आपका मोबाइल कुछ इस तरह से बूट करेगा। आप यहां पे देख सकते हैं कि मैं अपने एक सब्सक्राइबर के कंप्यूटर पर हूं अभी इस वक्त ऑनलाइन, और मैं उसके कंप्यूटर में जो है उसके मोबाइल को अनलॉक कर रहा हूं यहां से, ठीक है। तो इस तरह से आप भी जो है घर बैठे बिना किसी बाउस के, बिना किसी डोंगल के जो है आप कोई भी सैमसंग मोबाइल का कंट्री लॉक को अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आप यहां जैसे मोबाइल को बूट कराएंगे और रीड अनलॉक पे चेक लगाएंगे टूल पर, ठीक है, टूल के अंदर में सबसे पहले आपको जो लॉगिन आईडी पासवर्ड आप खरीदेंगे हमारी वेबसाइट से, उस लॉगिन आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है टूल के अंदर में। उसके बाद मोबाइल को एडीबी मोड में लगा देना है, उसके बाद रीड अनलॉक पर आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपके फोन को रीड करेगा और ऑनलाइन जो है इस टूल में जो है आपको आपके मोबाइल का जो कोड जो होगा वो कोड दे दिया जाएगा, पुक कोड, पिन कोड, सी नेटवर्क पिन, पुक कोड क्या है, पिन कोड क्या है, वो सारा का सारा कोड जो है आपको इस टूल में जो है आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, ठीक है। और बहुत सारी मोबाइल जो है डायरेक्टली आपका अनलॉक हो जाएगा, कोई कोड कोई पिन जो है नहीं मांगेगा मोबाइल में, अगर यदि मांगता भी है तो आपके टूल में दे दिया जाएगा स्क्रीन पर, और आप उसे देख करके जो है मोबाइल के अंदर में डायल करके उस मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी तो आसानी यह है कि इस टूल में जो है आपको मोबाइल को रूट नहीं करना होगा, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी मोबाइल को रूट नहीं करना है सैमसंग को, डायरेक्टली एडीबी मोड में लगाइए और मोबाइल को अनलॉक कीजिए। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से आप जो है सैम की के माध्यम से जो है सैम की टूल से किस तरह से आप मोबाइल को जो है अनलॉक कर सकते हैं कंट्री लॉक को, कोई भी सैमसंग मोबाइल में अगर नेटवर्क पिन जो है अगर सी नेटवर्क पिन मांगा जा रहा है तो उसे आप अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देख लें, लास्ट तक देख लें, आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ और जिस मोबाइल को मैं अनलॉक कर रहा हूँ वो मोबाइल में मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। आप देख सकते हो किस तरह से ऑनलाइन इसमें जो कोड आ चुका है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड कलर में जो इधर जो है नीचे में लेफ्ट साइड में राइट साइड में दिखा रहा है सिम नेटवर्क पिन पुक कोड पिन कोड ये सारा कोड, ठीक है। तो मान के चलिए अगर आपका मोबाइल रिबूट हो गया उसके बाद आपका मोबाइल फिर भी पिन कोड मांग रहा है तो आप यहाँ पे टूल में देख करके ये पासवर्ड उसमें डाल सकते हैं, और नहीं तो फिर ऐसी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली अनलॉक हो सकता है, अनलॉक होने के बाद कोई पिन नहीं मांगेगा। अगर मांगता है पिन तो आप टूल में यहाँ पे पिन देख करके पुक कोड देख करके उसमें डाल सकते हैं और मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप किसी काम आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।